Hey guys, welcome back to my channel to another vlog. I hope you all are doing absolutely great. So, आज मैं निकला हूँ मेरे दोस्त के साथ जिसको आप जानते ही हो मयूर चावल क्योंकि अभी हेलमेट पहन रहा है. तो अभी हम लोग निकले हैं बैंड्रा वर्ली फोर्ट जाने के लिए. तो अभी हम लोग यहाँ पे जस्ट पहुँच गए हैं. ये है बैंड्रा. आगे आप अगर देख रहे हो तो ये है वर्ली सीलिंग के लिए जाने का रास्ता. सो अभी हम लोग क्या करेंगे, आगे से लेफ्ट लेंगे जो कि नाटक साइड में रोड जाता है, वहाँ से हम लोग लेफ्ट लेके फिर आगे 23 मिनट्स है, 7.1 किलोमीटर का रास्ता है. सो वो मैं अभी आपको बता दूंगा कि कैसे क्या जाना है यहाँ से. तो तब तक आप देखते रहिए मेरा वीडियो. तो गाइस फाइनली हम लोग यहाँ पे पहुँच गए फोर्ट पे. और बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके, बट उतना रिस्की भी है क्योंकि यहाँ पे कोई भी मास्क बिना पहने है, तो उसका आपको ख्याल रखना है. और यहाँ जो व्यू अभी देख रहे हो बहुत ही सुकून ऐसा व्यू है यहाँ पे. एंड बहुत ही अंदर अंदर है, बहुत ही आपको चल के आना है. और प्लस आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आप बाइक से भी आते हो, बहुत गली है देखो, इससे आपको पता चलेगा कि कितनी गली से आना है आपको अंदर अंदर. सो अगर देखते अगर ये लोग अंदर एंट्री देते तो अच्छा है. पता नहीं अभी एंट्री है कि नहीं यहाँ पे, तो मैं अंदर जाके आपको मिलता. ओके गाइस, सो हम लोगों को जाने नहीं दिया गया ड्यू टू सम सिक्योरिटी रीज़न, वो लोग बोल रहे हैं ऐसे. तो इसके लिए हम लोगों ने भी ज़्यादा कुछ फोर्स नहीं किया, तो घूमे ऊपर ही. और अभी हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से. तो वही ये अभी जा रहे हैं हम लोग बाइक के यहाँ पर. ऑलराइट गाइस, सो अभी हम लोग बहुत उदास हो गए हम दोनों, जो कि हम लोग यहाँ पे जिस वजह से आए थे वर्ली फोर्ट जाने के लिए, तो वहाँ पे जाने नहीं मिला. सो क्योंकि कुछ प्रॉब्लम है वहाँ पे, मतलब उन लोगों ने ऐसा बताया कि कुछ सिक्योरिटी इशू है क्योंकि कैमरा अलाउड नहीं है, फ़ोटोज़ अलाउड नहीं है. तो इसके लिए भी हम लोगों ने कुछ इतना फोर्स नहीं किया, बट हम लोग अश्योर करते हैं कि नेक्स्ट टाइम अगर जो भी प्लेस पे जाए अच्छे से व्लॉग करें. बट अभी कैसे हम लोग भी का मूड ऑफ हो गया थोड़ा बहुत. वीडियो में तो दिखा रहा था कि चालू है करके, इतने लोगों ने वीडियो दो तीन लोगों ने तो वीडियो यहाँ पे निकाले हैं. वो लोगों ने तो ऐसा बताया कि मतलब शूट वगैरह कर सकते हैं. अभी यहाँ पे आके हमारा इतना बड़ा पोपट, मतलब आप समझ सकते हो कि बोरवली से हम लोग यहाँ पे आए स्पेशली. तो अगर ऐसी जगह पे आना है, मतलब पूरा प्लान करके हम लोग निकलते घर से और ऐसा हो जाता है हमारे साथ, तो बहुत ये हम लोग का भी मूड ऑफ हो जाता है. तो अभी कुछ नहीं, हम लोग यहाँ पे जो है वर्ली सीलिंग इसके यहाँ पे जाके थोड़ा बहुत फोटोशूट वगैरह करेंगे. सो गाइस, जैसे कि आप इसको जानते ही हो मयूर सावन, तो ये हम लोग ज़्यादा घूमते हैं और ट्रिप्स वगैरह भी ज़्यादा करते हैं. बट अभी ऐसे मोमेंट पे हम दोनों का मूड ऑफ हो गया टोटली. तो अभी हम लोग सोच रहे हैं बैंड्रा फोर्ट जाने के लिए. एक्चुअली क्या हुआ, बहुत से लोगों ने इसका यूट्यूब पे वीडियो डाला है, उन्होंने तो सब कुछ बोला है यू नो कि बंद है या फिर ऐसा. 26/11 के बाद में, 26/11 को हो गया टाइम, उसके बाद भी बहुत से वीडियोज आए, बहुत से लोग यहाँ पे आ चुके हैं. सो वी वेर इन द अजम्पशन कि हमने ये अजम किया कि यहाँ पे ऑलरेडी चालू रहेगा. तो यहाँ पे थोड़ा आगे फोकट हो गया, पर दैट गाय वाज गुड, उसने एटलीस्ट घूमने को तो दिया. द व्यू इज अमेजिंग और वहाँ से पूरा ऑलमोस्ट यू नो स्काईलाइन दिखता है, बहुत अच्छा दिख रहा है. बट अभी आप सोचो मतलब ये टाइम पे
इतना अच्छा करता है स्काईलाइन दिख रहा है, बट रात के टाइम पे क्या दिखेगा, वो भी लाइट्स वगैरह ऑन होके। सो उसमें जो फोटोग्राफी बहुत आएगी तो बहुत अच्छे से आ सकती है, तो वो एक है। सो कुछ नहीं, अभी हम लोग यहाँ पे है थोड़ी देर, फोटोशूट वगैरह करते हैं, बाद में यहाँ से निकल के बैंड्रा जाना है, देखते हैं यहाँ से निकल के कहाँ। लेट्स सी, अगर हमारा प्लान चेंज हो गया तो हम लोग वहाँ पे जाके आपको मिलेंगे। सो गाइस, अगर आप एंड तक रुके हो तो प्लीज़ लाइक करें बिना मत जाना, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आप पता है कि अगर इतने हम लोग यहाँ पे आते हैं, इतने मेहनत करते हैं, बहुत कुछ लगता है इसमें, डेडिकेशन है, और बाद में एडिटिंग भी होती है, तो सब भी बहुत कुछ है। तो अगर आप चाहते हो कि हम लोग कुछ, अगर नेक्स्ट आपके दिमाग में कुछ, आपके कुछ सजेशन है तो आप कमेंट के थ्रू भी बता सकते हो, तो हम लोग वहाँ पे जाके भी एक्सप्लोर कर पाए। बट हाँ, अगर आप फोर्ट साइड अगर हम लोग को बता रहे हो तो प्लीज़ पहले बता देना कि वो ओपन है कि नहीं है, तो ऐसा पोपट ना हो जाए हमारे साथ, तो प्लीज़ वो एक बता देना। सो इसी के साथ मैं अभी ये वीडियो एंड कर रहा हूँ यहाँ पे। सो मिलते अगले नेक्स्ट व्लॉग में। सो टिल देन स्टे ट्यून्ड, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलो बाय।